हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग इन वन शॉट ऑफ दिस वीडियो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ एक वीडियो देख लीजिए आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग का फॉर क्लास टू इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ये यूनिट, ये टॉपिक, ये चैप्टर एकदम से कम्प्लीट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं आप लोगों के जो करिकुलम में कंटेंट गिवन है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि नेटवर्किंग क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, इन सब के फुल फॉर्म, डिफरेंस, डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे, ये सारे डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस दीज फोर टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, स्टार, बस, ट्री, मैश, और आई थिंक एक रिंग टोपोलॉजी भी है जो हम इसमें कवर अप करेंगे। फिर आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, यूआरएल क्या होता है, www, एप्लीकेशंस, वेब, ईमेल, चैट, वीआईपी, वेबसाइट और वेब पेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेब ब्राउजर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और अब इतनी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो ऑब्वियसली एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हम आपकी तरफ से ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं। प्लीज़ इतना सा अपना, एक कहते हैं, गुरु दक्षिणा ज़रूर दीजिए। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। देखो टर्म क्या है मेरे पास, कंप्यूटर नेटवर्किंग। देखो थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं इसको परफॉर्म करके दिखाऊं, बट हाँ आप इतना अगर मींस आप बिल्कुल एंड टाइम पर ये देख रहे हो कि कल एग्जाम है या डे आफ्टर टुमारो एग्जाम है, तो एटलीस्ट PYQs लगा लेना, प्लस जितने भी टर्म्स हैं ना इनकी डेफिनेशन ज़रूर कर लेना, ठीक है। और अगर अभी ये वीडियो देख रहे हो, काफ़ी टाइम है एग्जाम को, तो ऑब्वियसली सारा का सारा अच्छे से डिटेल में ज़रूर देख। देखो नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क पर हम बाद में आएंगे, पहले हम देखेंगे नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। आपने नेटवर्किंग आई थिंक पढ़ा होगा, क्या होता है कि एक से सपोज दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू, राइट, तो उनका आपस में क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया। तो जब भी कोई दो पर्सन आपस में बात करते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट, उनका पर्पस या कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना या कुछ और अपने व्यूज़ को शेयर करना, एक्सप्रेस करना, तो आप वहाँ पर एक नेटवर्क बना लेते हैं। सिमिलरली हमारा आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क की अगर मैं बात करूँगी, देखो मेरे पास यहाँ पर लेट सपोज 5 कंप्यूटर्स हैं और अकेले अकेले हैं, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो जब तक ये कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमने कोई भी नेटवर्क क्रिएट नहीं किया, राइट। तो मैं क्या करूँगी, ये जितने मेरे पास कंप्यूटर्स हैं इसको आपस में कनेक्ट कर दूँगी। तो कनेक्ट कर देंगे तो दैट मीन्स ये आपका क्या बन गया, नेटवर्क बन गया। अब मैंने इनको जो कनेक्ट किया है वो किस लिए किया है, ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे पास 5 कंप्यूटर्स हैं मैं बस वायर लगा करके उसको कनेक्ट कर दूँ। कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई ना कोई रीज़न होगा कि मैंने इनको कनेक्ट क्यों किया। अब सिंपल सा रीज़न क्या है कि जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसको मैं शेयर कर सकूँ, चाहे वो मेरे हार्डवेयर रिसोर्सेज हो गए, चाहे वो मेरे सॉफ्टवेयर हो गए, चाहे मेरी फाइल्स हो गई, कुछ भी है मैं शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, लेट सपोज ये आपके स्कूल का रिसेप्शन एरिया है, ये आपके स्कूल का रिसेप्शन एरिया है, राइट। तो यहाँ पर फीस वगैरह सबमिट होती है, काफ़ी काम होता है। अब यहाँ पर आपकी दो मैम्स बैठी हैं रिसेप्शन एरिया, जो अपना फ्रंट डेस्क पर काम कर रहे हैं। अब दो मैम हैं, दोनों मैम के पास जो है अपना एक एक PC है काम करने के लिए, बट प्रिंटर उनको ओकेजनली चाहिए, उन्होंने कहा हम प्रिंटर शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने एक प्रिंटर लाया और बीच में लगा दिया, ठीक है। अब सपोज इन मैम का नेम है नेहा और इन मैम का नेम है निशा, राइट। अब नेहा मैम को काम था, उन्होंने प्रिंट कमांड दे दी, हो गया। अब निशा मैम को काम है तो वो क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, इस प्रिंटर की वायर निकाल करके, इस सिस्टम से निकाल करके इसमें अटैच कर, क्यों, क्योंकि अभी ये दोनों कंप्यूटर्स नेटवर्किंग में नहीं है, ये दो सिस्टम्स अलग अलग पड़े हैं, बीच में प्रिंटर है, जिसको प्रिंट करना है वो अपना वायर निकाल के अपने सिस्टम से अटैच कर। तो उन्होंने देखा ये तो काफ़ी गड़बड़ हो रही है, काम तो हो रहा है बट सही से नहीं हो रहा, हम क्यों बार बार वायर निकालने और डालें। तो इन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क बना लिया, राइट, इन दोनों सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट कर दिया तो जो इस सिस्टम की फाइल्स है वो ये भी शेयर कर सकती है, एक्सेस कर सकती है, प्लस जो हमारा ये प्रिंटर था इसको भी वो लोग शेयर कर सकते, राइट। अब इसकी वायर एक ही सिस्टम पर लगी हुई है, बट अगर निशा मैम ने कमांड देनी है तो वो यहाँ पर बिना वायर निकाले अपने सिस्टम से कमांड दे सकती, राइट। सो दैट मीन्स हमने रिसोर्सेज को क्या कर लिया, शेयर कर लिया। अब अगर ये तो मैंने सिर्फ दो सिस्टम की बात करी, अगर हम बात करें आपके कंप्यूटर लैब की, 20 कंप्यूटर्स हैं तो 20 प्रिंटर्स लगाना तो वहाँ पर बेवकूफ़ी होगी, ठीक है।
बहुत एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, हम क्या करेंगे, एक या दो प्रिंटर्स लेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे राइट, वो नेटवर्किंग के थ्रू। तो काफ़ी सारी एक तो मेरी कॉस्ट भी बच गई राइट। अब आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया मिल चुका है नेटवर्किंग का कि वो होता क्या है। नाउ सी दिस डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। टू कंप्यूटर्स आर सेट टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर कैपेबल ऑफ, अगर हम वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, वो अपना रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज मीन्स आपके हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, इस तरीके से। और आपका जो नेटवर्क है स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा। मैंने आपको फ्रंट डेस्क यानी कि रिसेप्शन एरिया का एग्जांपल दिया, दो कंप्यूटर्स काफ़ी स्मॉल एरिया है। लार्ज का भी आप नेटवर्क बना सकते हो, आपकी कंप्यूटर लैब हो गई, दो तीन लैब फ्लोर्स पर हो गई, इन सब का हम एक नेटवर्क बना सकते। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स यानी कि होस्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर मेरे पास ये पांच कंप्यूटर्स हैं, ये सारे स्टैंड अलोन कंप्यूटर, मीन्स अभी तक मैंने इनको नेटवर्क में कनेक्ट नहीं किया, ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स बोलते हैं। जैसे ही मैं इनको नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट कर दूंगी, तो इन कंप्यूटर्स को आप लोग और क्या बोल सकते हो, वर्क स्टेशन। जब ये कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट हो गए, तो इस कंप्यूटर को आप नोड भी बोल सकते हो और इस कंप्यूटर को आप वर्क स्टेशन भी बोल सकते हो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब बात आती है पैकेट्स, एक टर्म है हमारे पास, पैकेट्स क्या होता है कि जब भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारा जो डेटा है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है, उन पार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, पैकेट्स राइट। डेटा इन अ नेटवर्क इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर चंक्स, या फिर आप कह सकते हो स्मॉलर पार्ट्स, एंड दीज स्मॉल पार्ट्स आर नोन एज द पैकेट्स। दीज पैकेट्स आर देन कैरिड ओवर अ नेटवर्क, मीन्स लेट सपोज मेरे पास ये एक नेटवर्क, ये सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं राइट। अब क्या हुआ, मेरे को डेटा सेंड करना था, लेट सपोज मेरे पास डेटा है, मैंने उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1 2 3, ठीक है। तो मैंने इसको तीन पैकेट्स बना करके दे दिया, फर्स्ट पैकेट यहाँ से जा रहा है, सेकंड पैकेट यहाँ से जा रहा है, थर्ड पैकेट यहाँ से, ये मेरा डेस्टिनेशन सिस्टम है, यहाँ तक पहुँचाना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इस रूट के थ्रू आया, सेकंड वाला इस रूट के थ्रू आया, थर्ड वाला इस रूट के थ्रू आया, ठीक है। आपके जो पैकेट्स हैं वो आपका मीन्स डिफरेंट रूट या फिर डिफरेंट पाथ को फॉलो कर सकते हैं, और ये सारा काम इतनी फटाफट होता है कि पैकेट्स को डिवाइड करना, असेंबल करना, रीअसेंबल करना, विद इन मिनट्स माइक्रो सेकेंड्स की आपको पता भी नहीं चलता कि ये काम कब होगा राइट। दीज पैकेट्स आर देन कैरिड ओवर नेटवर्क के थ्रू जाते हैं। डिवाइसेस इन द नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड, या तो ये वायर्ड मीडिया के थ्रू कनेक्ट होंगे या वायरलेस कनेक्ट होंगे। नोड में आपको बता दिया क्या होता है, ईच डिवाइस दैट इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, हर एक मीन्स नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स हैं उसको आप क्या बोल दोगे, नोड। नाउ अब मेरे पास बारी आती है एडवांटेज, हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के एडवांटेजेस क्या। फर्स्ट एडवांटेज इज रिसोर्स शेयरिंग, रिमेंबर स्टार्टिंग में वो प्रिंटर वाला एग्जांपल बताया था, उससे हमारा रिसोर्स शेयर हो रहा है, रिलायबल होता है हमारा नेटवर्क, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लस कम्युनिकेशन मीडियम ये प्रोवाइड करता है। रिसोर्स शेयरिंग मीन्स कि जो भी आपके पास कोई भी फाइल हो गई, कोई प्रोग्राम हो गया, कोई डेटा हो गया, कोई पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, वो आप अपने मीन्स नेटवर्क पर जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उन सब के साथ शेयर कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल लोकेशन। मीन्स फिजिकल लोकेशन मीन्स ये सारे लाइन में 20 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, मैं फर्स्ट कंप्यूटर पर हूँ, वो लास्ट में प्रिंटर पड़ा है, तो मैं यहाँ से बैठकर भी वहाँ पर अपने कमांड दे सकती हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, मीन्स टू कीप द कॉपी ऑफ अ फाइल ऑन टू और मोर डिफरेंट मशीन्स। कि आपके पास ये पाँच कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में, सारे कनेक्टेड हैं आपस में एक दूसरे से, आपने क्या करा, इस सिस्टम की फाइल को तीन चार जगहों पर कॉपी करके रख दिया, ठीक है। उस नेटवर्किंग में शेयरिंग हम कर सकते हैं, तो आप रिलायबल मीन्स ट्रस्टवर्दी, कि अगर सपोज इस सिस्टम पर आपको कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ विंडो करप्ट हो जाती है, तो आप ऐसा नहीं है कि उसी सिस्टम के भरोसे बैठे हो, आपने वो फाइल यहाँ पर भी कॉपी कर रखी, एक्सेस कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो दैट मीन्स रिलायबल हो गया। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव, मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज मीन्स 20 कंप्यूटर्स के लिए लैब में 20 प्रिंटर्स नहीं लेने पड़ेंगे, एक प्रिंटर से काम चल जाएगा, तो हो गया कॉस्ट इफेक्टिव। कम्युनिकेशन मीडियम मीन्स वन कैन सेंड मैसेजेस
and whatever the changes at one end are done can be immediately noticed at another. क्या आप आपस में मीन्स वो सारे कम्युनिकेट कर सकते हैं, सेंडर ने जो मैसेज सेंड करना है रिसीवर को दूसरे एंड पर वो कर सकते हैं. अब मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क. वी आर हैविंग फोर टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पैन, लैन, पैन एंड द लास्ट वन इज द वैन. पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड द लास्ट इज वैन. पैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क. सबसे पहले हम देखेंगे पैन क्या होता है. पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क. तो पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन में क्या होगा कि जब आप बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर नेटवर्क क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मुझे अपने मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र करना है लैपटॉप में, मैं या तो ब्लूटूथ के थ्रू करूँगी या डेटा केबल के थ्रू करूँगी या फिर हॉटस्पॉट के थ्रू कर लूँगी, ठीक है. तो यहाँ पर जो मैं डेटा को शेयर करूँ, यहाँ पर जो आपका नेटवर्क बन रहा है दैट इज़ पैन. तो लैपटॉप के बीच में डेटा शेयर करना है, दो पीसीज के बीच में डेटा शेयर कर रहे हो, दो मोबाइल फोन्स के बीच में डेटा शेयर करो, काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस जिसका है उसको हम बोलते हैं पैन, दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क. अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन. इट जनरली कवर्स अ रेंज ऑफ लेस देन 10 मीटर तक के डिस्टेंस का रेंज होता है, ठीक है. ये केबल के थ्रू भी हो सकता है, वायरलेसली भी हो सकता है, मीन्स आपने ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर दिया या डेटा केबल के थ्रू कर दिया, ठीक है. एग्जाम्पल राइट. नेक्स्ट इज लैन. लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. अब ये आपका जो इसके रेंज है पैन से ज़्यादा है, मैन से कम है. लैन बेसिकली स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होते हैं, लाइक आप लोगों की स्कूल बिल्डिंग होती है, कंप्यूटर लैब्स में सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं नेटवर्क में, तो ऑफिस है, कोई एमएनसी है, वहाँ पर जो बिल्डिंग हो गई वहाँ पर जो कनेक्शन होता है वो आपका सारा किसका एग्जाम्पल है, लैन का. इसका जो डिस्टेंस रहता है नॉट मोर देन 5 किलोमीटर. देखो अगर आप रेंज की बात करो, एग्जैक्ट रेंज की अगर मैं बात करूँ, तो आपको हर जगह डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी, गूगल पर भी डिफरेंट मिलेगी, राइट. तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये जो मैंने रेंज लिया दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी, राइट. तो डेफिनेटली वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस, ठीक है. तो चलिए यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है नॉट मोर देन 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा. चलिए वर्क स्टेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है. कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द सर्वर आर कॉल्ड वर्क स्टेशन. देखो जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं ना, जनरली एक सर्वर ज़रूर बनाते हैं. सर्वर क्या होता है, वो पावरफुल कंप्यूटर. पावरफुल कंप्यूटर मीन्स ऐसा नहीं है उसका पावरफुल मीन्स जैसे हम लोग होते हैं ना पावरफुल, हम लोग कैसे करते हैं कि जिसका वेट ज़्यादा हो, बाइसेप्स ज़्यादा हो, जिसमें स्टेमिना ज़्यादा हो, इम्यूनिटी ज़्यादा हो, बट सर्वर में तो ऐसा कुछ नहीं है. सर्वर पावरफुल कब होगा, जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होगी, रैम ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, प्रोसेसर अच्छा होगा, जनरेशन अच्छी होगी, i5 i6 जो भी जनरेशन का वो प्रोसेसर है, ठीक है. तो ये एक सर्वर है, इससे सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड. तो ये सारे कंप्यूटर्स जो आपके सर्वर से कनेक्टेड हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन. वन कंप्यूटर इज डेजिग्नेटेड एज अ फाइल सर्वर. सपोज मैंने इसको अपना फाइल सर्वर बना दिया, विच स्टोर्स ऑल द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी शेयर बाय कंप्यूटर्स, कि इसमें सारे सॉफ्टवेयर हैं और ये सारे सॉफ्टवेयर ये सारे वर्क स्टेशन अपना शेयर कर, और इसमें आप जो कनेक्टिविटी कर सकते हो वो वायरलेस के थ्रू भी कर सकते हो, मीन्स वायर के थ्रू भी कर सकते हो, कोई भी लैन केबल हो, इंटरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हो. इसकी जो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 किलोमीटर. डेटा ट्रांसफ़र जो है लैन का ज़्यादा है, 10 Mbps तक का है, फ्रॉम 10 Mbps टू 1000 Mbps तक का डेटा ट्रांसफ़र है इसमें. और ये दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ लैन, राइट. नेक्स्ट हमारे पास आता है मैन. मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. स्पेलिंग देख लीजिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दैट मीन्स मैन. मैन में आपका वो रेंज कवर करेगा विद इन अ सिटी, राइट. विद इन अ सिटी लेट सपोज हम किसी एक कोई भी एक सिटी का एग्जांपल ले सकते हो आप. सपोज हम गुरुग्राम का एग्जांपल लेते हैं, तो गुरुग्राम में क्या है कि आप लोग एक सिटी है, विद इन दैट सिटी जो भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे वो आपके क्या होंगे, मैन के अंडर आते हैं. इट रेफर्स टू द नेटवर्क दैट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया एज बिग एज सिटी. डेटा ट्रांसफर रेट इन मैन ऑल्सो रेंजेस इन Mbps में होगा, इट इज कंसिडरेबली लेस एज कम्पेयर टू लैन.
देखो डिस्टेंस बढ़ गया तो डेटा ट्रांसफर रेट यहाँ पर आपका कम हो गया, और दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30-40 किलोमीटर की रेंज आप इसमें कनेक्ट कर सकते। डिफरेंट लैंस को मैं कनेक्ट करके, मीन्स विद इन अ सिटी मेरे पास 4 लैंस हैं, उन सबको कनेक्ट करके एक अपना मैन नेटवर्क क्रिएट कर सकते। लास्ट वन इज द वैन, तो वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। तो वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स दीज आर द नेटवर्क स्प्रेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेज, लाइक कॉन्टिनेंट्स हो गया, क्रॉस कंट्रीज हो गया, तो वहाँ पर आपका कौन सा नेटवर्क फॉलो होता है, वैन। यहाँ पर आपका जो डेटा ट्रांसफर रेट होगा जनरली या तो वो आपका लाइक आप इसमें ऑब्वियसली देखो वायर्ड के थ्रू तो कनेक्टिविटी नहीं करोगे, वैन नेटवर्क में ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्शन है, एक शहर से एक कंट्री से लेकर के दूसरी कंट्री तक में वायर तो नहीं लगाने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली आपकी सैटेलाइट यूज़ होती है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। और इट कैन बी इवन बी अ ग्रुप ऑफ लैंस को भी आप कनेक्ट कर, मीन्स दैट आर स्प्रेड अक्रॉस सेवरल लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन पर आप लोगों के लैंड कनेक्ट हैं, उसको आप फर्दर कंबाइन कर रहे हो वैन में, राइट। और जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों का वैन का, दैट इज इंटरनेट, राइट। नाउ सी दिस, अब ये एक लैंड है आपका इंडिया में, एक लैंड है आपका फ्रांस में, और इंटरनेट के थ्रू मीन्स मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, वैन का, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो, अगर किसी में भी डिफरेंस आ सकता है, यहाँ पर मैंने लैन और वैन में लिखा है, लैन आपका स्मॉल एरिया के लिए होता है, वैन आपका काफ़ी बड़े एरिया के लिए होता है। इसकी सेटअप कॉस्ट ऑब्वियसली कम होगी एज कम्पेयर टू वैन, वैन में मुझे अक्रॉस द कॉन्टिनेंट अक्रॉस कंट्री कनेक्टिविटी करनी है, वहाँ पर वो ज़्यादा होगी। एक सिंगल नेटवर्क होता है, ये आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, काफ़ी सारे नेटवर्क्स को कंबाइन करके आपका क्या बनता है, वैन बनता है, राइट। तो यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नेटवर्क डिवाइसेस। तो नाउ सी बेसिकली कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, कि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं नेटवर्क में, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू, राइट। तो इसको आप नेटवर्किंग हार्डवेयर भी कह सकते हो, नेटवर्क इक्विपमेंट भी कह सकते हो, और यू कैन ऑल्सो सी दिस कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। These are electronic devices which are required for communication and interaction between devices on a computer network. कि जो कंप्यूटर नेटवर्क में आपके डिवाइसेज हैं उनको आपस में इंटरेक्ट करना हो, कम्युनिकेट करना हो, तो किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क डिवाइसेज। नाउ वी आर हैविंग दिस 6 टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेज, दैट इज मॉडम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे, जो हम वन बाय वन सारे इसमें कवर अप करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मॉडम से। देखो मॉडम मीन्स मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। अब देखो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारी 1-0 के लैंग्वेज फॉर्म कर, देखो हमारे पास दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स, राइट। तो हम क्या करते हैं, सपोज ये आपका सेंडर है एंड दिस इज योर रिसीवर, राइट। अब क्या हुआ, ये आपका यहाँ से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये जो कंप्यूटर से सिग्नल्स जा रहे हैं वो किसकी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, 0-1 के फॉर्म में, बिकॉज आप बचपन से पढ़ते हो कंप्यूटर सिर्फ 1-0, 1-0, 0-1 ये समझता हो, कुछ नहीं समझता, तो वो आपके डिजिटल सिग्नल्स हो। अब जब मैं इसको डेटा भेजूंगी, इसको भी डिजिटल सिग्नल समझ में आएगा, बट बीच में जो हमारा इंटरनेट है, ये टेलीफोन लाइन्स, ये जो आपका कनेक्ट है, ये एनालॉग सिग्नल्स जनरेट करती हैं, ठीक है। तो इस डिजिटल को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एनालॉग में, और एनालॉग को फर्दर किस में कन्वर्ट करना है, डिजिटल में। ये काम मेरा कौन करता है, मॉडम, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। फुल फॉर्म होगी, इट रेफर्स टू डिवाइस यूज फॉर कन्वर्जन बिटवीन एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स, मीन्स एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, कौन कन्वर्ट करेगा, मॉडम। द मॉडम एट द सेंडर्स एंड, दैट मीन्स यहाँ पर ये सेंडर्स एंड है, यहाँ पर ये जो मॉडम है ये मेरा किसका काम कर रहा है, मॉड्यूलेटर। यहाँ पर आपका जो सेंडर्स एंड पर मॉडम है ये आपका मॉड्यूलेटर की तरह वर्क करेगा, मॉड्यूलेटर मीन्स ये कन्वर्ट करेगा डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में, बिकॉज यहाँ से डिजिटल डेटा आ रहा है तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग सिग्नल। और जो रिसीविंग एंड पर मॉडम है ये मेरा किसकी तरह वर्क करेगा, डी मॉड्यूलेटर की तरह, राइट। तो द मॉडम एट द रिसीवर्स एंड एक्ट एज अ डीमॉड्यूलेटर, ये किसको कन्वर्ट करेगा, यहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं ना और इसको डिजिटल भेजने हैं,
इट विल कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स बैक टू डिजिटल सिग्नल. तो ये आपका क्या हो गया, डीमॉड्यूलेशन, राइट. नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइसेस हब. अब देखो हब का काम क्या है, हब कह सकते हो या फिर इथरनेट हब. एन इथरनेट हब इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू वायर्स. यहाँ पर आप काफ़ी सारे डिवाइसेस अपना कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है. अब इसमें देखो क्या है हब की, अगर मैं बात करूँ, देखो दो चीज़ें, हब और स्विच. हब को हम डम्ब डिवाइस कहते हैं, स्विच को हम स्मार्ट डिवाइस कहते हैं. ऐसे से स्विच, ऐसे से स्मार्ट डिवाइस. अब आप इसमें पढ़ोगे कि हम हब को डम्ब डिवाइस क्यों कहते हैं, ठीक है. अच्छा, अब ये देखो फर्स्ट पॉइंट कि हम हब को डम्ब डिवाइस क्यों कहते हैं. डेटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइन्स आर सेंट आउट ऑन ऑल द अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड सर्कल में 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है. मैंने कोई बात फ्रेंड नंबर 2 को बतानी, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग टू फ्रेंड नंबर 2 ओनली, मैं क्या कर रही हूँ, सबको वो बात बता रही हूँ. बात तो गलत ही है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए. मीन्स जिसको मुझे पर्टिकुलर पर्सन से बात करनी है उसी को बताना चाहिए, बट मैं क्या कर रही हूँ, सबको फैला रही हूँ वो बात. हो गई ना, मैं डम्ब डिवाइस, राइट. तो डेटा अराइविंग ही क्या करेगा, द लिमिटेशन ऑफ हब इज दैट इफ द डेटा फ्रॉम 2 डिवाइसेस कम एट द सेम टाइम दे विल कोलाइड. एक टाइम पर 2 डिवाइसेस से डेटा आ गया तो ये उसको भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, अगेन डम्ब डिवाइस है, ठीक है. और यहाँ पर आप देखो ये हम अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हब भी, ठीक है. हब इज अ मल्टी पोर्ट विच ब्रॉडकास्ट ऑल इन्फॉर्मेशन टू ऑल अदर पोर्ट. सभी को वो डेटा ट्रांसफर कर देगा. हैंस इट इज कॉल्ड एज नॉन इंटेलिजेंट और डम्ब डिवाइस. क्यों? क्योंकि सबको डेटा भेज रहा है. अब सबको डेटा भेज रहे तो ऑब्वियसली अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट हो रहा है मेरे पास. अब ये क्या कर रहा है, एक टाइम पर या तो इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता. हम तो कर सकते हैं ना कि मैं सुन भी सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ, कर सकते हैं हम एक काम, एक टाइम पर ये दोनों काम, ठीक है. बट हब नहीं कर सकता. ये क्या कहते हैं, इट कैन आइदर सेंड और रिसीव इन्फॉर्मेशन बट इट कैन नॉट डू बोथ एट अ सेम टाइम. सेम टाइम पर ये दोनों काम नहीं कर सकते. वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ हब. कौन कौन से, एक्टिव हब और पैसिव हब. एक्टिव हब कौन से होते हैं, इट एम्पलीफाइज द सिग्नल एज इट मूव्स फ्रॉम वन कनेक्टेड डिवाइस टू अनदर. ए से एक्टिव, ए से एम्पलीफाई. एम्पलीफाई सिग्नल मीन्स जब हम दूर कहीं डेटा भेजते हैं ना, डिस्टेंस अप्रॉक्स 100 मीटर से ज़्यादा की रेंज पर, तो आपके जो सिग्नल्स हैं वो वीक होने लगते हैं. उसको एम्पलीफाई करने के लिए वहाँ पर आपका क्या यूज़ होता है, एक्टिव हब. रिपीटर भी होते हैं, तो आप इसलिए हम कई बार हब को मल्टी पोर्ट रिपीटर भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका जब एक्टिव हब की तरह काम करे, ये आपके सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देगा, राइट. और पैसिव हब कौन से होते हैं, इट अलाउज द सिग्नल टू पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट एनी चेंज. अगर मैं दूर डिस्टेंस पर डेटा भेज रही हूँ और अगर वो सिग्नल वीक हो रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा डेटा आ रहा है वो वैसा का वैसा ट्रांसफर कर दे. अब आता है स्विच. स्विच मैंने आपको बताया कैसा है, स्मार्ट डिवाइस है. सबको डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, सिर्फ जो इंटेंडेड डेस्टिनेशन है उसी को ये डेटा ट्रांसफर करेगा. अब उसी को डेटा ट्रांसफर करेगा तो अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट नहीं होगा, राइट. अ स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट प्लेस अ सेंट्रल रोल इन लैन. और लाइक अ हब, हब की तरह क्या कर रहा है, इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस. हब भी मेरा काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा था और स्विच भी मेरा काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है. जब मेरे पास डेटा आता है तो स्विच क्या करेगा, वहाँ से जो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा उसको देखेगा कि मुझे कहाँ पर भेजना है, तो उसको ये वहाँ पर अपना टेबल में देखेगा, जो इसने टेबल बना रखी होगी इस नेटवर्क में, ये सिस्टम के ये एड्रेसेस की सिस्टम है, उसको भेज देगा, राइट. और इट सेंड्स सिग्नल्स टू ओनली सेलेक्टेड डिवाइस को भेजेगा इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू ऑल. अब इट कैन फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट्स एट द सेम टाइम. वो तो एक टाइम पर इतना काम नहीं कर सकता था. अब क्यों, क्योंकि वो डम्ब डिवाइस था. स्विच हमारा स्मार्ट डिवाइस, राइट. और इट कैन आइडेंटिफाई द इंटेंडेड डेस्टिनेशन. ही मैंने आपको बताया इंटेंडेड डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ पर डेटा ट्रांसफर करना है उसको इसका पता होगा, राइट. तो ये उसी टारगेट कंप्यूटर को डेटा सेंड करेगा. अब फालतू डेटा सेंड नहीं कर रहा लोगों को तो अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट नहीं होगा. और ये एक टाइम पर डेटा सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है. नेक्स्ट इज माई रिपीटर. रिपीटर्स देखो क्या होते हैं, जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर. अब कई जगह पर आप इसका रेंज पढ़ोगे 70 मीटर, कई जगहों पर आप रेंज पढ़ोगे 100 मीटर. तो ऑन एन एवरेज हम लेकर के चलते हैं. ऑन एन एवरेज अगर मैं 70 मीटर टू 100 मीटर की बात करूं, अगर मेरे पास इससे ज़्यादा डिस्टेंस है, आपके एनसीईआरटी में 100 मीटर मेंशन है, ठीक है. तो अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस है तो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो वीक होने लगते हैं.
तो उन जो आपके सिग्नल्स वीक हो रहे हैं उनको एम्पलीफाई करने के लिए, उनको रीजनरेट करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रिपीटर्स, राइट? तो अ रिपीटर इज एन द एनालॉग डिवाइस दैट वर्क्स विद सिग्नल्स. द वीकेंड सिग्नल्स अपियरिंग ऑन द केबल इज रीजनरेटेड एंड पुट बैक ऑन द केबल बाय अ रिपीटर. अगर 100 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है, आपके सिग्नल्स वीक हो रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? रिपीटर. नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस इज राउटर. अब राउटर क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, एनालाइज इट एंड ट्रांसमिट टू अदर नेटवर्क. मेरे पास काफ़ी सारे नेटवर्क, सपोज ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, तो मीन्स यहाँ पर सपोज चार कंप्यूटर्स कनेक्टेड. ये नेटवर्क नंबर टू है, इसको मैं सपोज़ मेरे पास ये एक नेटवर्क है जिसमें आपके काफ़ी सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है? ये आपका नेटवर्क नंबर वन. सिमिलरली ये नेटवर्क टू, सिमिलरली ये नेटवर्क थ्री, ठीक है? अब लेट सपोज इस यहाँ पर मेरे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है राउटर, और ये तीनों नेटवर्क इस राउटर से कनेक्टेड, राइट? चलिए अब लेट सपोज इसमें सेंड करने डेटा जो नेटवर्क नंबर थ्री के ये वाले सिस्टम पर है, ठीक है? अब इसके पास डेटा आया, ये अपने एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है कि नेटवर्क नंबर टू पर कौन कौन से सिस्टम से उनका एड्रेस क्या, क्या आईपी एड्रेस. सिमिलरली नेटवर्क थ्री पर कौन कौन से सिस्टम है उसका आईपी एड्रेस क्या है. अब जब इसने इसको डेटा सेंड करना है, ये सेंडर हो गया या रिसीवर हो गया, यानी कि डेस्टिनेशन सिस्टम. इसके पास डेटा आया, इसने देखा कि डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ है और वो एड्रेस किस नेटवर्क पर है. पहले ये नेटवर्क देखेगा, इसने देखा नेटवर्क नंबर थ्री पर है तो ये अपना यहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है? फिर देखेगा नेटवर्क थ्री में यहाँ पर ये रिसीवर है, इसको अपना डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा. राउटर का मतलब ही क्या है कि रूट प्रोवाइड करना, रूट मीन्स पाथ. चलिए अ राउटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा. डेटा रिसीव करा, एनालाइज करा कि कौन से नेटवर्क पर भेजना है एंड ट्रांसमिट इट टू अदर नेटवर्क. और ये भी हो गया रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू डिफरेंट नेटवर्क. अगर इसको डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं भी पता कि भी कौन मींस इफ़ द डेस्टिनेशन इज अननोन टू अ राउटर, इसको नहीं पता कि ये नेटवर्क कहाँ पर, ये सिस्टम कहाँ पर है, ये एड्रेस कहाँ पर है, तो ये ऐसे राउटर को मींस दूसरे राउटर को भेज देगा जिसको पता होगा कि वो डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है, राइट? नेक्स्ट मेरे पास आता है गेटवे. गेटवे में आप सिंपल सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर मुझे डिससिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है तो वहाँ पर आपका क्या यूज़ होगा? गेटवे, राइट? गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिससिमिलर नेटवर्क. डिससिमिलर नेटवर्क मीन्स अगर आपको लैन या मैन को कनेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? गेटवे यूज़ करोगे, ठीक है? यहाँ पर देखो मेरे पास काफ़ी सारे पीसीज आपस में कनेक्ट हैं, ये डिफरेंट नेटवर्क्स डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर दिया? गेटवे, राइट? तो यहाँ तक आपका नेटवर्क डिवाइसेस भी कंप्लीट हो गया. अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क टोपोलॉजीज. अब देखो नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होता है. अभी तक मैंने आपको बोला कि मैं नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है? अब वो कंप्यूटर्स लेट सपोज मेरे पास इस फॉर्म में मैंने कनेक्ट कर दिए, राइट? या फिर ये सारे कंप्यूटर्स मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिए, राइट? या फिर ये सारे कंप्यूटर्स मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिए. तो बेसिकली मैं अपने नेटवर्क में अपने कंप्यूटर्स को किस तरीके से कनेक्ट कर रही हूँ, दिस इज नोन एज योर नेटवर्क टोपोलॉजी. सी द डेफिनेशन. टोपोलॉजी इज एन आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. कि आप अपने नेटवर्क में फिजिकली किस तरीके से सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो, दिस इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी, राइट? तो बेसिकली बस टोपोलॉजी विल स्टडी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी. ये वो सारी टोपोलॉजीज हैं जो आप लोगों के सिलेबस में. सबसे पहले आ जाते हैं, हम डिस्कस करेंगे मेश टोपोलॉजी के. देखते हैं इसमें सबसे पहले कौन सी है, बस टोपोलॉजी, ठीक है? पहले बस टोपोलॉजी को डिस्कस. बस टोपोलॉजी में पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? दिस इज़ योर बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में क्या है कि यहाँ पर साइड में आपकी केबल्स लगी होती हैं. दिस लाइन, इसको अगर मैं
ये वाली जो आपकी लाइन है दिस वन, दिस इज नॉन एज द बैकबोन, ठीक है। ये आपकी जो बस टोपोलॉजी है उसकी ये बैकबोन की तरह काम करती है। बैकबोन मीन्स ये सारे के सारे कंप्यूटर्स इसी से कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो ये एक बैकबोन की तरह वर्क करती है। अब ध्यान से देखो, इन बस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ मेन केबल कॉल्ड बैकबोन। जितने भी ये सारे नोड्स हैं सारे के सारे ये किससे कनेक्ट है, एक सिंगल केबल से। इस केबल को क्या बोलते हैं, बैकबोन। इफ एनी नोड हैज टू सेंड सम इंफॉर्मेशन टू एनी अदर नोड इट सेंड्स द सिग्नल्स टू द बैकबोन। लेट सपोज अगर इसने इसको डेटा सेंड करना है, डायरेक्टली नहीं करेगा, किसके थ्रू करेगा, बैकबोन के थ्रू। ये पहले सिग्नल भेजेगा बैकबोन को, फिर जो आपकी बैकबोन केबल है वो आगे फर्दर डेटा को ट्रांसफर करेगा। इसको एडवांटेजेस क्या, इसको इंस्टॉल करना इजी है, केबल लेंथ मुझे कम रिक्वायर्ड है, तो केबल लेंथ कम चाहिए तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। फेलियर ऑफ अ नोड डज नॉट अफेक्ट द नेटवर्क। अगर लेट सपोज इस नोड ने काम करना बंद कर दिया तो आपकी पूरी की पूरी जो पूरा नेटवर्क है वो करप्ट नहीं होगा, वो फेल नहीं होगा, वो आपका चलता रहेगा, क्योंकि डेटा तो किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, बैकबोन केबल के थ्रू। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपकी जो केबल है मेन केबल जिससे सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, अगर उसी में फॉल्ट आ जाता है तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। एट अ टाइम ओनली वन नोड कैन ट्रांसमिट द डेटा। एक टाइम पर आपकी एक ही जो है वो नोड डेटा को ट्रांसफर कर सकते। नेक्स्ट मेरे पास आता है स्टार टोपोलॉजी। अब देखो स्टार में आपका क्या, जैसे ये स्टार होता है ना इस फॉर्म में, तो इसी फॉर्म में हमारा बीच में सर्वर होगा और फिर यहाँ से हमारे जो है वो डिफरेंट नोड्स कनेक्ट हो। ये जो हमारा बीच वाला होगा दिस इज नोन एज द सर्वर। तो इन स्टार टोपोलॉजी ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ हब और स्विच। ये है आपका हब और स्विच, तो मैंने सर्वर बोला, ठीक है। हर नोड आपके किससे कनेक्ट होगी, हब और स्विच से। अगर किसी भी नोड को इन्फॉर्मेशन सेंड करना है तो वो किसके थ्रू करेगा, इस हब और स्विच के थ्रू, यानी कि सर्वर के थ्रू। लेट सपोज इसने डेटा ट्रांसफर करना है इसको, तो पहले ये किसको ट्रांसफर करेगा, इसको सिग्नल देगा हब या स्विच को, फिर ये इधर ट्रांसफर करेगा डेटा। और हर एक नोड के लिए एक सेपरेट केबल यहाँ पर आपकी यूज़ होती है। इसके एडवांटेजेस क्या है, अगेन इट इज़ इजी टू इंस्टॉल है। अगर किसी नोड में कोई दिक्कत आ जाती है तो पूरा मेरा नेटवर्क करप्ट नहीं होगा। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, अगर मेरा जो वो मेन है हब या स्विच जो सर्वर है उसी में कोई फेलियर हो जाता है, उसी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। इट रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के कंपेरिजन में यहाँ पर मेरी जो केबल है वो ज़्यादा यूज़ होगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टार टोपोलॉजी, राइट। लेट सपोज ये आपकी नोड है जो सेलेक्टेड है ऑरेंज कलर से, और इसने लेट सपोज अपना एक डेटा ट्रांसफर करना है इसको, तो किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, अब और स्विच के। नेक्स्ट मेरे पास आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग आपकी सर्कुलर फॉर्म में होती है, ठीक है, इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो ये आपकी रिंग टोपोलॉजी, तो आपका सर्कुलर फॉर्म में डेटा ट्रांसफर हो, राइट। एक सारे सिस्टम्स अपने आगे और पीछे वाले से कनेक्टेड होते हैं। Every computer is connected to the next computer in the ring and each transmit the signal what it receives from the previous means. जो यहाँ से ट्रांसफर हो वो अगले को भेज रहे हैं। किसी एक जैसे बस में तो था केबल के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा था, स्टार टोपोलॉजी में वो हब और स्विच के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा था, रिंग में ऐसा कुछ नहीं। वो बचपन में हम चैन चैन वाली गेम खेलते थे ना, दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते थे, ये सेम रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है। अब लेट सपोज इसने इसको भेजना है, वो मेरे थ्रू होकर के जा रहा है ऐसे रिंग सर्कुलर फैशन। The messages flow around the ring in one direction. Advantages क्या है, easy to install और configure। इसको install करना easy है, कोई problem हो जाती है उसको detect करना easy है। सारा का सारा data एक ही direction में जा रहा है तो obviously वहाँ पर मेरा data collision नहीं होगा। Data collision means टकराव data में, अगर एक data यहाँ से आ रहा है एक data यहाँ से आ रहा है collision हो सकता है, पर जब वो flow ही एक ही direction में कर रहा है तो वहाँ पर आपके collision होने के chances नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, ऑल डेटा बींग ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क। लेट सपोज कि इस तरीके से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर इसने इसको डेटा ट्रांसफर करना है तो बीच के सभी सिस्टम से वो होकर के गुजरेगा, राइट, विच कैन मेक इट स्लोअर देन अ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में तो सीधे सेंटर ने हब को भेजा और हब और स्विच ने डेस्टिनेशन को भेज दिया, यहाँ पर वो सबसे होकर के जाएगा।
द एंटायर नेटवर्क विल बी इम्पेक्टेड इफ वन वर्क स्टेशन शट्स डाउन. अगर इनमें से कोई भी सपोज मेरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं पर स्टॉप हो जाए. नेक्स्ट मेरे पास आता है ट्री टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी आपका कॉम्बिनेशन है बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों का. बस टोपोलॉजी आपने पढ़ लिया, स्टार टोपोलॉजी आपने पढ़ लिया, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों का क्या हो गया, ट्री टोपोलॉजी. नाउ सी दिस एग्जांपल. देखो ये आपकी बैकबोन केबल हो गई जो आपकी बस टोपोलॉजी में थी, दिस वन राइट. और ये आपका, इस ग्रीन वाले को ध्यान से देखना, क्या ये मेरे को स्टार टोपोलॉजी नहीं दिख रहा है कि सारे कंप्यूटर्स किससे कनेक्टेड हैं, हब और स्विच से राइट. तो अब मुझे अगर इस नेटवर्क को इसके थ्रू डेटा भेजना है तो वो किसके थ्रू होकर के जाएगा, इस बैकबोन के थ्रू राइट. अब इसमें अगर सपोज करो मेरा एक, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो नेटवर्क और एक वो बैकबोन. अगर ये एक नेटवर्क ही मेरा करप्ट हो जाता है तो क्या मेरा पूरा ट्री टोपोलॉजी का नेटवर्क काम करना बंद हो गया? नहीं, वो तो चलेगा ठीक है. बट अगर मेरी ये जो बैकबोन वाली केबल है ये खराब हो जाती है तो ये जो आपस में स्टार टोपोलॉजी वाले हैं ये तो काम करेंगे, बट अगर एक जगह से मुझे ऊपर दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र करना है, मीन्स एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजना है, तो वहाँ पर मैं अपना डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकती राइट. लास्ट आती है मेरे पास मेश टोपोलॉजी. मेश टोपोलॉजी में आपका क्या है, हर एक डिवाइस हर एक दूसरे से कनेक्टेड होगी ठीक है. मीन्स लेट सपोज ये डिवाइस है, इसको मैं इससे भी कनेक्ट करूँगी, इससे भी कनेक्ट करूँगी, इससे भी कनेक्ट करूँगी, इससे भी और इससे, फिर इस डिवाइस को पकड़ो, इसको बाकी सबसे कनेक्ट कर दो, फिर नेक्स्ट को पकड़ो, इसको सभी से कनेक्ट कर दो. तो ये आपकी कौन सी हो जाती है, मेश टोपोलॉजी. ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क. हर दूसरे डिवाइस से वो कनेक्ट हो. इट कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक. अब देखो इतनी सारी मैसअप हो गया ना, सारा मेश टोपोलॉजी मीन्स मैसअप हो जाना. मैसअप कैसे होगा, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है. अब इतनी सारी वायर्स हैं तो ऑब्वियसली इट कैन रिक्वायर सॉरी इट कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक. काफ़ी सारे लाइन्स से डेटा जा सकता है आपका केबल्स के थ्रू. दीज नेटवर्क्स आर मोर रिलायबल बिकॉज इवन इफ अ नोड गेट्स डाउन इट डज नॉट कॉज एनी ब्रेक इन द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन अदर नोड्स. कि अगर आपका यहाँ पर डेटा सपोज ये नोड काम करना बंद कर दिया, कोई नहीं, बाकी तो इतनी सारी वायर्स हैं, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. और ये आपका सिक्योर भी है. क्यों सिक्योर है, बिकॉज ईच केबल बिटवीन टू नोड्स कैरीज डिफरेंट डेटा. डिसएडवांटेज में क्या, वायरिंग कॉम्प्लेक्स है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारी वायर्स का हौच पहुँच हो जाएगा. केबल की कॉस्ट ज़्यादा हो गई है बिकॉज इतनी सारी वायर्स यूज़ हो रही हैं. देर आर मेनी रिडेंडेंट और अनयूटिलाइज कनेक्शन, मीन्स इतने सारे कनेक्शन बना दिए, सपोज सिर्फ यहाँ और यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, बाकी सारे वो अनयूटिलाइज रहेंगे राइट. अब यहाँ तक हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज भी कंप्लीट हो गया. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंटरनेट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट. अब देखो इंटरनेट के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, आई थिंक आप सभी अवेयर हैं इस टर्म से, हर रोज यूज कर रहे हो इसका, इसके बारे में जानते हो ठीक है. इंटरनेट बेसिकली क्या है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस. काफ़ी सारे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स आप इसको कह सकते हो, काफ़ी सारे नेटवर्क का कनेक्शन है कि आजकल जितना भी काम पॉसिबल है सब कुछ किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ठीक है. जादू की दुनिया जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ हो गई है. अब तो आप आजकल तो डिवाइसेस में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एसी, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट फैन, स्मार्ट लाइट्स, ये सब हो गया है ना. ठीक है, पहले तो सिर्फ स्मार्ट ह्यूमन बींग होता था, स्मार्ट वर्क होता था, अब तक तो हमारे जो ये जितने अप्लायंसेस हैं ये सब भी स्मार्ट हो गए हैं ना. चलिए किसकी हेल्प से चलते हैं, सब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. तो ये आपके वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से कनेक्ट होते हैं. ISP देखो क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जांपल आपने अपने फ़ोन में लेट सपोज एयरटेल का सिम ले रखा है, तो आपका फाइबर नेट एयरटेल वाली कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो ISP यहाँ पर क्या हो गया, एयरटेल. तो और एग्जांपल्स आप लोगों के हो गए, ISP की एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, जियो, वोडाफोन, आइडिया, ये सारे आपके क्या किसके एग्जांपल्स हो गए, ISP के. बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रही हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं राइट. नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट. एप्लीकेशन मीन्स आपका इंटरनेट कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है. वैसे तो काफ़ी सारे मेरे पास एप्लीकेशंस हैं, बट आप लोगों के सिलेबस में कौन कौन सी हैं, WWW, ईमेल, चैट एंड VOIP. तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ WWW.
www means वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखो इंटरनेट पर दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो एक्चुअल में इंटरनेट का तो आप यूज़ करते हो, बट वो एक्चुअली में है कि आपका www, राइट। तो www या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में वेब कह सकते हो, या फिर W3C भी कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये W3 मीन्स तो वर्ल्ड वाइड वेब, फिर आता है कंसोर्टियम, कुछ भी कह सकते हो। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन भंडार, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस एंड वेब रिसोर्सेज। इतने सारे वेब पेजेस, इतने सारे रिसोर्सेज जो आपस में लिंक्ड हैं एक दूसरे से, वो सर आपका क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप एक्सेस करते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। द रिसोर्सेज ऑन द वेब कैन बी शेयर्ड और एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, पर जो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है ना, ये www इसको हम लोग बोलते हैं। और दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन, सर टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने इस टर्म को इन्वेंट किया था इन द ईयर 1990, राइट। उन्होंने उस टाइम पर 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज बताई थी जिससे ये वेब बना था, दैट इज HTML, URL एंड HTTP। तो HTML पढ़ेंगे हम पहले, ये तीनों हम कवर अप करेंगे इसी में। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखो HTML क्या है, बेसिकली जितने भी आपके वेब पेजेस बनते हैं, वेब पेजेस क्या, आप इंटरनेट पर कुछ भी विजिट करो, जो सब वो पेजेस ओपन हो रहे हैं उसको हम वेब पेजेस बोलते हैं। अब ये वेब पेजेस आपके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल अगर मैं बेसिक लैंग्वेज की बात करूँ, ठीक है, HTML के थ्रू ये डिज़ाइन किए जाते हैं वेब पेजेस। तो HTML एक बेसिकली क्या है, लैंग्वेज, इस पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं कि HTML इज़ अ लैंग्वेज और नॉट, ठीक है। चलिए, इट इज़ यूज टू डिज़ाइन स्टैंडर्डाइज वेब पेजेस। अगर मुझे बिल्कुल बेसिक लेवल पर वेब पेजेस को डिज़ाइन करना है तो हम HTML का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके टैग्स होते हैं, आई थिंक आप लोगों ने, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में, तो HTML तो बिल्कुल जूनियर क्लासेस में पढ़ कर आए होंगे, ठीक है। टैग्स होते हैं मेरे पास, लाइक अगर मुझे अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं बी टैग यूज़ करूँगी, एंड इफ़ आई वॉन्ट टू मेक द टेक्स्ट अंडरलाइन तो मैं यू टैग यूज़ करूँगी, ठीक है। तो हर एक काम के लिए मेरे पास क्या होते हैं, टैग होते हैं कि आपके वेब पेज में जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा। बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है हर एक वेब पेज का, वो किसके थ्रू डिज़ाइन होता है, यूजिंग HTML। अगर आपको थोड़ा सा एडवांस फीचर्स और उसमें एड ऑन करने हो तो आप CSS का यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट टर्म मेरे पास आती है URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या है कि हर एक वेब पेज, जितने भी वेब पेजेस हैं या इंटरनेट पर कोई भी वेब पेज जो स्टोर है उसका एड्रेस, उसको हम क्या कहते हैं, URL। URL यूनिक आइडेंटिफायर, या फिर आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, टू आइडेंटिफाई अ रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो एड्रेस बार में वो एड्रेस लिखा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, URL। इट इज़ नॉट ओनली द डोमेन नेम बट कंटेन्स अदर इन्फॉर्मेशन दैट कम्प्लीट्स अ वेब एड्रेस। देखो अगर मैं सिंपल लिख रही हूँ www.cbse.nic.in, ठीक है, वो CBSE की वेबसाइट का मेन लिंक तो हो गया, URL भी है। बट अगर मैं सपोज उसमें सैम्पल अकेडमिक वेबसाइट पर गई, सैम्पल पेपर के टैब पर गई, मैंने 2023-24 सेशन ओपन किया, क्लास 12 का CS का पेपर निकाला, वो टॉप पर जो एड्रेस बार में वो कंप्लीट एड्रेस आएगा ना उस वेब पेज का, वो भी आपका क्या होता है, URL। मीन्स कि वो आपका पेज एक्चुअल में स्टोर कहाँ पर है, उसका कंप्लीट पाथ वो आता है, राइट। चलिए नाउ सी दिस एग्जांपल, मैंने यहाँ पर NCERT का एग्जांपल लिया है, http:// /2 www.ncert.nic.in textbook.html, ठीक है। अब जो इसमें जो सिर्फ इतना पार्ट है, दैट इज ncert.nic.in, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन नेम, राइट। सिर्फ इतना पार्ट जो है आपका, दैट इज डोमेन नेम। और ये जो कंप्लीट हो गया आपका स्टार्टिंग से एंड तक, ये आपका क्या हो गया, URL, राइट। HTTP तो आपका प्रोटोकॉल का नेम है, इसको तो चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बाय डिफॉल्ट HTTP होता है। और भी काफ़ी सारे हमारे पास प्रोटोकॉल हैं, लाइक FTP हो गया, टेलनेट हो गया, ठीक है, www आपकी सब डोमेन हो गई, वर्ल्ड वाइड वेब वाली ये भी डिफॉल्ट है, लिखो चाहे ना लिखो। ncert.nic.in ये आपकी डोमेन नेम हो गई, और ये कंप्लीट लास्ट आपका क्या हो गया, URL। नेक्स्ट आता है मेरे पास HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो आपका वेब सर्वर है और जो आपका वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो इनके बीच में जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है, दैट इज़ HTTP। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं।
आपके स्कूल में प्रोटोकॉल होता है कि अगर 8 o'clock का स्कूल है तो बिफोर 8 आप लोगों को स्कूल में पहुंचना है, कि सबसे अच्छे से बिहेव करना है, लाइक एक टाइम पर क्लास से बाहर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे। हर एक स्कूल के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। लास्ट आप लोगों का डेयरी पीरियड होगा जिसमें आपने सबने डेयरी चेक करानी है, तो ये हर एक स्कूल के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो सिमिलरली हमारे यहाँ पर भी कुछ प्रोटोकॉल हैं कि जब हमारा वेब ब्राउज़र सर्वर से कम्युनिकेट करेगा तो वो जो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, HTTP, राइट, इज यूज टू रिट्रीव लिंक्ड वेब पेजेस अक्रॉस द वेब। इसका जो सिक्योर वर्जन होता है दैट इज HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर सॉकेट लेयर इसमें और एड ऑन हो जाती है। ये जनरली आपका तब यूज़ होता है जब आपने देखा होगा कि आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऊपर HTTPS लिखा होता है वो ग्रीन कलर में, तो दैट मीन्स ये वेब पेज आपका सिक्योर है, यहाँ पर आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन वेब एंड इंटरनेट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में। वेब मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट तो क्या है आपका, ह्यूज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ, मीन्स जो सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं वो मीन्स सारे आपस में कनेक्टेड हो गए, डजेंट मीन उसमें कोई वेब पेज या फाइल स्टोर है या नहीं है, वो जो आपस में कनेक्शन बन गया ना एक, वो आपका एक इंटरनेट हो गया, नेटवर्क जो बन गया। वेब तो क्या होता है कि जो इतने सारे वेब पेजेस आपस में लिंक हैं एक दूसरे से, जिसके काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जहाँ पर स्टोर है, वो आपका क्या हो गया वेब। उन वेब से अगर मुझे इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है वो हम एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ईमेल। देखो ये हम कहाँ पर हैं, जो हमने एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट स्टार्ट किया था ना, तो एप्लीकेशंस में फर्स्ट हमने www पढ़ा, www में ही हमने ये तीन चीज़ें पढ़ ली, HTML, URL और HTTP, राइट। अब सेकंड एप्लीकेशन मेरे पास आती है ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको आई थिंक मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है। अगर मुझे मेल्स को सेंड करना हो, रिसीव करना हो, तब हम यूज़ करते हैं। इट कैन बी सेंड टू एनी नंबर ऑफ टाइम, एनी टाइम वी कैन सेंड द ईमेल और टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। द मैसेज कैन बी टेक्स्ट भी भेज सकते हो, कोई फाइल आपने अटैच करनी हो, टेक्स्ट फाइल है, इमेज फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, PDF फाइल है, किसी भी टाइप की फाइल आप ईमेल से अटैच करके भेज सकते हो, ठीक है। बस इतना ज़रूर है कि अगर आपको कोई ईमेल सर्विस यूज़ कर रहे हो तो आपका जब उस पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीमेल पे गूगल के थ्रू जीमेल पर अगर मुझे कोई मेल सेंड करना है किसी को, तो पहले मेरा उस जीमेल आईडी मेरी होनी चाहिए। काफ़ी सारे ईमेल सर्विसेज हैं, गूगल, याहू मेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, बट जनरली यूज़ कौन सा होता है, जीमेल। हाँ, आजकल काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस आप लोग देखोगे स्कूल में भी काफ़ी होते हैं कि हर एक कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने कस्टमाइज्ड ईमेल एड्रेस जनरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नेम है लेट सपोज स्वाति चावला, ठीक है, तो यूज़र नेम हो गया सपोज कंपनी का नेम कुछ भी ले लो, लेट सपोज DAV स्कूल हो गया, ठीक है, तो swati@davischool.com, तो ये मेरी कस्टमाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड की है मेरी मेल आईडी, राइट। अब ईमेल क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना कोई भी फाइल को अटैच करके सेंड कर सकते हो किसी को, अपने ईमेल को अगर आपने भी कभी सेंड नहीं करना उसको एज अ ड्राफ्ट सेव करके रख सकते हो, एक मेल को आप कितने भी एड्रेस मीन्स कितने भी पर्सन्स को सेंड कर सकते हो वो भी एक ही साथ कर सकते हो, और सेंडिंग कॉपी ऑफ मेल, देखो दो चीज़ें आती हैं, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी को मेल सेंड करते हो तो यहाँ पर एक तो 2 का ऑप्शन होता है, एक CC का ऑप्शन होता है, एक BCC का ऑप्शन होता है, ठीक है। CC मीन्स कार्बन कॉपी, BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ध्यान से देखना डिफरेंस क्या होता है। लेट सपोज आई एम योर क्लास टीचर, ठीक है, मुझे आप सबको हॉलीडे होमवर्क मेल करना है, और व्हाट आई वांट कि आप सबकी ईमेल आईडी कॉन्फिडेंशियल रहे, आप सबको एक दूसरे की ईमेल आईडी ना पता लगे, तो मैं क्या करूँगी, जब मैं अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को वो हॉलीडे होमवर्क सेंड कर रही हूँ, वो मेल कर रही हूँ, तो अगर मैं उन सबकी ईमेल आईडीज को BCC में लिख दूँगी, मेरे को तो सबके एड्रेसेस दिखेंगे, बट जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे वहाँ बैठे उनमें से किसी को भी किसी दूसरे की मेल आईडी नहीं दिखेगी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। अगर वही ये सारी ईमेल आईडीज मैं CC में एंटर कर दूँ तो आपको एक दूसरे की ईमेल आईडीज भी दिखेंगी, राइट। जनरली देखो क्या होता है, कहाँ बेनिफिशियल रहते हैं कि जब हम लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो वहाँ पर आप BCC में डेटा डाल सकते हो, या फिर आपको लगता है कि कहीं पर अगर आप चाहते हो कि आपको काफ़ी सारे लोगों को मेल सेंड करना है पर चाहते हो कि सबको पता ना लगे सामने वालों को कि आपने यही सेम मेल किस किस को सेंड किया, वहाँ पर हम अपना BCC कर सकते, ठीक है। फॉरवर्डिंग अ रिसीव्ड ईमेल, कि आपको जो मेल रिसीव हुआ है वही आप सबको फॉरवर्ड भी कर सकते हो,
स्पैम मेल्स को मैं इजीली फिल्टर कर सकती हूँ, सिग्नेचर में ऐड ऑन कर सकती हूँ। सिग्नेचर मीन्स कि आपने डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर ऐड कर दिया अपने ईमेल में, थैंक्स एंड रिगार्ड्स स्वाति चावला। जब भी मैं किसी को भी कोई भी मेल सेंड करूँ, ये सिग्नेचर, ये फूटर हमेशा आएगा लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है चैट। ये भी नहीं बताने की जरूरत थी कि चैटिंग आप सब लोग करते हो, कोई भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, स्काइप हो गया, किसी के थ्रू भी आप चैटिंग कर सकते हो। और रियल टाइम में, रियल टाइम मीन्स अगर सामने वाला पर्सन भी ऑनलाइन है तो आपको लगेगा कि हाँ वो सामने ही बैठे, तभी आप उससे इतनी सारी चैट कर, मीन्स इंस्टेंट रिप्लाई आ रहे हैं उससे, और इंस्टेंट मैसेजेस सेंड हो गया। हाँ ये भी है कि अगर आप चाहते हो कि वो रियल टाइम में हो तो ऑनलाइन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और सेम चैट एप्लीकेशन, व्हाट्सएप वाला पर्सन टेलीग्राम पे नहीं चैट कर सकता, व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप का अकाउंट होना ज़रूरी है उसका, ठीक है। इट इज़ नाउ पॉसिबल कि आप अपना चैटिंग वाले जो आपके आईएम सॉफ्टवेयर है इंस्टेंट मैसेजिंग वाले, वहाँ पर आप अपना इमेज भी सेंड कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ सेंड कर सकते हो, ठीक है। और ये एग्जांपल्स हो गए आपके चैटिंग सॉफ्ट एप्लीकेशंस के, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है वीओआईपी। वीओआईपी मींस वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी को वॉइस कॉल करना है, पहले तो क्या होता है लैंडलाइन फोन्स होते थे, टेलीफोन लाइन, ठीक है। अगर आप वॉइस कॉल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट तो वहाँ पर आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा? वीओआईपी, राइट, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप लाइक व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल कर रहे हो तो वॉइस कॉल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कर रहे हो तो वहाँ पर आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है? वीओआईपी। That is a voice transmission over a computer network rather than through the regular telephone network. Advantage क्या है? देखो जो आपके VIPs ये जो services provide करते हैं, या तो free of cost हैं या फिर आपका बहुत economical सा charges लेते हैं, सिर्फ जो internet connectivity, जो carrier charges होंगे वो, तो people उनको use करते हैं ताकि उनका cost बच सके। और आपने देखा होगा कि आजकल हमारी जो international calls हैं वो भी WhatsApp के through easily हो जाती हैं। अगर आप वैसे जो आपके रिचार्ज प्लान है वो लेकर के देखो, इंटरनेशनल कॉल्स वाले कितने कॉस्टली पड़ते हैं, क्योंकि तो हम लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप पर इजीली हो जाता है, वो आपका इकोनॉमिकल भी पड़ता है, राइट। डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी जो कॉल क्वालिटी है वो डिपेंड करेगी आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड पर। अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड कम है तो वो वॉइस क्वालिटी सही नहीं आएगी, क्रैक होएगी, वॉइस ब्रेक हो जाएगी बीच में। और अगर इंटरनेट स्पीड बढ़िया है तो फिर ऑब्वियसली आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो भी बढ़िया आएगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा इंटरनेट का कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे वेबसाइट के बारे में। नाउ सी, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वेबसाइट, वेब पेज, वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर, ये सब आपको आई थिंक इसके बारे में काफ़ी हद तक कुछ मीन्स काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं आपको इसके बारे में पता है। जस्ट यू नीड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स। वेबसाइट बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस। ऐसे तो हमारे पास इंटरनेट पर या फिर आप कहीं WWW वर्ल्ड वाइड वेब पर काफ़ी सारे वेब पेजेस हैं, बट अगर जो हमारे इंटर रिलेटेड वेब पेजेस हैं उन सब का मैं कलेक्शन कर दूं तो आपका क्या होता है? वेबसाइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे स्कूल की वेबसाइट है, या तो उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन या जितने भी पेजेस होंगे वो सारे के सारे हमारे स्कूल से रिलेटेड होंगे। बट कॉन्टेक्ट अस में हमारे स्कूल की डिटेल्स होंगी, और गैलरी में हमारे स्कूल की इमेजेस होंगी, और जो प्रिंसिपल्स मैसेज होते हैं वहाँ पर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का मैसेज होगा, राइट। तो वो सारे वेब पेजेस आपस में एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। तो अ वेबसाइट, या फिर आप कह सकते हो शॉर्ट में सिंपल साइट, इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड थ्रू हाइपरलिंक्स एंड सेव्ड ऑन अ वेब सर्वर। आप जो विजिटर नेविगेट्स फ्रॉम वन पेज टू अनदर बाय क्लिकिंग ऑन द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है कि आप जिस पर वो हैंडशेप सिंबल आ जाता है, ठीक है, तो जब हम उस पर क्लिक कर किसी दूसरे वेब पेज पर विजिट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है जैसे कि एनसीईआरटी की वेबसाइट है तो सारे पेजेस एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, उसकी टेक्स्ट बुक्स हो गई, सिलेबस हो गया, इवेंट्स हो गए, कोई रिसोर्स मटेरियल हो गया, वो सारे के सारे एक ही डोमेन में सारे के सारे क्या आ जाएंगे? उसके रिलेटेड पेजेस। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है पर्पज़ ऑफ अ वेबसाइट, कि हम लोग वेबसाइट बनाते क्यों हैं, ठीक है। हम बेसिकली अब सपोज करो मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे माइंड में भी काफ़ी बार आता है कि लेट्स क्रिएट आवर वेबसाइट, तो पर्पज़ क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मैं चाहती हूँ कि वहाँ दूर बैठे सभी लोगों को वो अवेलेबल हो, इजीली एक्सेसिबल हो, राइट। प्लस अगर मुझे अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कोई सर्विसेज देनी है, तो भी हम अपना वेबसाइट बना सकते हैं। सपोज़ आपने कुछ कॉस्मेटिक्स का, या फिर आपने कुछ जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसका घर पे कुछ आपने
इन्वेंशन किया और आप चाहते हो आप उसको मार्केट में मीन्स मार्केटिंग करो, लॉन्च करो, तो आपने एक वेबसाइट बनाई, उसके थ्रू आप उसको सेल कर सकते हो। पोस्टिंग एंड फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, अगर आपको इंटरनेट पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करनी है वो भी हम वेबसाइट का यूज़ करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है तब भी, कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से बातें करने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, डिसमिनेटिंग कंटेंट एंड सॉफ्टवेयर। डिसमिनेटिंग मीन्स टू स्प्रेड नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज सो दैट इट रीचेज एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, कि कुछ अपने आइडियाज इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करो सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ये सारे बेसिकली पर्पज़ है जिसके लिए हम चाहते हैं कि हम अपना वेबसाइट बनाएं। नेक्स्ट आता है वेब पेज। देखो इंटरनेट पर जितने भी वेब पेजेस हैं वो सारे के सारे वेब पेज ही होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑन द www दैट इज व्यूड इन अ वेब ब्राउजर, जिसको आप वेब ब्राउजर पर देखते हैं। तो ये हमने भी HTML पढ़ा था पीछे, CSS मैंने आपको बता दिया था। तो वेब पेज का जो भी बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन होता है विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। और वेब पेज आपका किसका पार्ट होता है? वेबसाइट का ही पार्ट होता है। मेरे पास एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसमें जितने भी पेजेस हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेब पेजेस बोलते हैं। तो वेब पेज आपका क्या हो गया? एक वेबसाइट का पार्ट हो गया। जितने भी वेब पेजेस होंगे, ज़रूरी नहीं है उसमें सिर्फ टेक्स्ट हो, उसमें आपका कुछ भी हो सकता है। टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, इंटरेक्टिव कंटेंट भी हो सकता है। इंटरेक्टिव कंटेंट मीन्स कि वो आपसे कुछ भी इनपुट ले रहे हैं, और फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कॉन्टेक्ट अस में हो गया योर नेम, फिर आपकी कोई क्वेरी हो गई और सबमिट करो, ठीक, इंटरेक्टिव हो गया, तो आपसे कुछ इनपुट ले रहे हैं। बस हमारे पास जो वेब पेज में काफ़ी सारे प्रोग्राम कोड्स या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, आपने सुना होगा जावास्क्रिप्ट हो गई है, ठीक है, या फिर आपका PHP हो गया, ये सारी की सारी आपकी स्क्रिप्ट्स भी यूज़ होती है वेब पेज को डेवलप करने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने। होम पेज क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज ओपन होता है दैट इज़ द होम पेज। होम पेज भी होता तो वेब पेज ही है, बट उसको एक नेम दे दिए कि सपोज मैंने ओपन करा cbse.nic.in, जो फर्स्ट पेज ओपन होगा दैट इज़ नोन एज द होम पेज। होम पेज में जनरली क्या होता है कि मेरे वेबसाइट में जितने भी वेब पेजेस हैं ना, उन सब का लिंक किसके थ्रू मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ? होम पेज के थ्रू। और जो आपके वेब पेजेस हैं वो आपके स्टेटिक भी हो सकते हैं, डायनामिक भी हो सकते हैं। स्टेटिक का आपको नेम से पता लग रहा है, स्टेटिक मीन्स फिक्स्ड और डायनामिक मीन्स जो चेंज होता रहता हूँ। तो स्टेटिक वेब पेज इज़ वन हुज कंटेंट ऑलवेज रिमेन्स स्टेटिक, जिसका जो कंटेंट है वो फिक्स रहता है, बस वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, राइट। फॉर एग्जाम्पल उसको चाहे मैं देखूँ चाहे आप देखो, वो कंटेंट सेम रहेगा, वो होते हैं आपके स्टेटिक वेब पेज। सपोज मैंने एक वेबसाइट बनाई, ये नोट्स मैंने उस पर अपलोड कर दिए, अब जब तक मैं उसको अपने सर्वर पर चेंज नहीं करूँगी, उसको जो भी देखेगा सबको सेम कंटेंट दिखेगा, तो वो आपका क्या हो गया? स्टेटिक वेब पेज। When a web server receives a request for a static web page, it just locates the page on its storage media and sends it to the browser of the client. उसको सिर्फ क्या करना है? स्टोरेज मीडिया में वो पेज देखना है और अपने जो आपका वेब क्लाइंट है उसको सेंड कर दें, और कोई इसने एडिशनल प्रोसेसिंग नहीं करी है। तो स्टेटिक वेब पेज है रिमेन्स सेम फॉर ऑल द यूजर्स अंटिल सम चेंजेस कोड मैनुअली, जब तक मैं उसको मैनुअली ना चेंज कर दूँ तब तक उसमें आपके कोई भी चेंजेस नहीं होते, ठीक है। और ये आपके जो स्टैटिक वेब पेजेस है, जनरली इसके लिए आपको HTML, JavaScript, CSS ये वाली लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं, एक्सटेंशन रहती है .htm या फिर .html, राइट। इसके डायग्राम देखो, ये वेब ब्राउजर है, इससे रिक्वेस्ट सेंड करी वेब सर्वर को, सर्वर ने अपना जो भी इसका स्टोरेज मीडिया था जहाँ पर सारे वेब पेजेस स्टोर थे, उसने उसको वहाँ से रिक्वेस्ट को क्या कर दिया? रिस्पॉन्ड कर, राइट। अब आता है डायनामिक वेब। A dynamic web page is one in which the content of the web page can be different for different users. देखो इसका जो content होता है वो frequently change होता रहता है। Example, stock rate हो गए, जो stock exchange के rates होते हैं, Sensex इन सब के, ठीक है। और उसके बाद हमारा हो गया example, IPL का live score चलता है, cricket कोई भी match हो live score चलता रहता है websites पर, news हो गई आपकी, ठीक है, तो weather alerts हो गए, weather updates हो गए, ये सारे के सारे जितने भी वेबसाइट्स हैं ये आपके डायनामिक वेब पेजेस होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूज़र, सपोज मैं एक पर्टिकुलर स्टेट में हूँ, मेरे यहाँ का वेदर अपडेट अलग होगा, आप दूसरे स्टेट में, आपके वहाँ का वेदर अपडेट अलग होगा, तो डिफरेंट यूज़र के लिए डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, आपके स्टेट की करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़ दूसरी होंगी, मेरे स्टेट की करंट न्यूज़ दूसरी होंगी,
और प्लस वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहेंगी, स्पेशली अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज की रेट्स की बात करूँ या आईपीएल का कोई भी लाइव मैच का स्कोर हो गया उसकी बात करूँ। द डिफरेंस इन कंटेंट मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट चॉइसेस मेड बाय द यूजर। डिफरेंट चॉइसेस मीन्स आपकी स्टेट अलग, मेरी स्टेट अलग, इस तरीके से। When a request for a dynamic web page is made to the web server, it is not simply retrieve the page and send. कि जब कोई वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट आएगी डायनामिक वेब पेज की, तो ऐसा नहीं है कि वो सिंपली उसको रिट्रीव करेगा और सेंड कर देगा। नो, वो जो भी आपका वेब पेज जो जिसकी रिक्वेस्ट आई है, सबसे पहले सर्वर क्या करेगा, उसमें एडिशनल प्रोसेसिंग यूज़ होती है। मीन्स डेटा बेस इंफॉर्मेशन लेगा, डेट और टाइम अपडेट करेगा, वेदर इन्फॉर्मेशन जो भी उसको अपडेट करेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारा तामझाम होता है। द कंटेंट ऑफ सच पेजेस चेंजेस फ्रिक्वेंटली, टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। अब इनको बनाना भी कॉम्प्लेक्स है, इनको लोड होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू स्टेटिक वेब। अब इसमें क्या, स्टेप वन में वेब ब्राउज़र ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा, अब सर्वर क्या करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम को कॉल करेगा और फिर अपना जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, फिर वो रिस्पॉन्स दे। Now see the difference between static web page and dynamic web page. See, this topic is important from your board exam point of view as well. Okay? Static web pages का मतलब क्या, pages will remain same until some changes it manually. जब तक मैं उसको manually change नहीं कर दूँगी सभी users के लिए वो page same रहेगा। Dynamic web page में क्या है कि different user के लिए उसका content different होगा, frequently change होता रहेगा। ये सिंपल होते, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, कुछ नहीं करना, सिंपल बन जाते हैं इजीली, ठीक है। डायनामिक वेब पेजेस को बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स। स्टैटिक वेब पेजेस में इंफॉर्मेशन आर चेंजेस रेयरली, ठीक है, और डायनामिक वेब पेजेस में इंफॉर्मेशन आपके फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। अब स्टैटिक वेब पेज में क्या, आपका हर बार सेम कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है तो लोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, डायनामिक वेब पेज को आपको लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। स्टैटिक वेब पेज में डेटाबेस का यूज़ नहीं होता, डायनामिक वेब पेजेस में आपका डेटाबेस का यूज़ होता है। तो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं HTML, JavaScript, CSS, ये हो गई, और डायनामिक वेब पेजेस के लिए आपकी अजेक्स हो गई, ESP हो गई, ASP.NET होगी, CGI होगी, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आपके वेब पेजेस, डायनामिक वेब पेजेस को बनाने में यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेब सर्वर। क्या होता है, देखो वेब सर्वर कुछ नहीं होता, एक टाइप का कंप्यूटर सिस्टम ही है वो, ठीक है, बट उसकी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होती है, पावरफुल कंप्यूटर होती है। मीन्स रैम ज़्यादा होगी, स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होगा, प्रोसेसर बढ़िया होगा, और सारा का सारा जो भी डेटा है वो सारा का सारा कहाँ पर स्टोर होता है, सर्वर पर। सो दैट कभी भी मेरे पास क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट आए तो सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करके जो भी रिक्वेस्टेड एक्सेस है वो दे सके। अब वेब सर्वर कैन बी अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है, आपका जो वेब सर्वर है वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है। अब देखो आपका जो वेब सर्वर है वो हार्डवेयर कैसे हो सकता है, हार्डवेयर मीन्स जिसको मैं टच कर सकती हूँ। इट स्टोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट कंटेंट ऑन द सर्वर, नीड्स टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट सो दैट इट्स कंटेंट कैन बी मेड एक्सेसिबल टू द यूजर, ठीक है। मीन्स सर्वर जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसमें सारा का सारा स्टोर रहेगा। और अगर मैं बात करूँ वेब सर्वर एज अ सॉफ्टवेयर की, तो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर बना करके कहीं पर मैंने उसको इंस्टॉल कर दिया है, सो दैट उसको समझने के लिए मीन्स मैं कोई URL या वेब एड्रेस यूज़ करूँगी जो भी ब्राउजर से आएगी और फिर वो उसको रिस्पॉन्ड कर दे, राइट। अब बात आती है एरर 404, आप सबने सुना होगा क्या होता है 404 एरर के बारे में, 404 नॉट फाउंड, वो क्या होते हैं, देखो ध्यान से पढ़ना इसको। द वेब ब्राउजर फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट भेजी किसी भी एक पर्टिकुलर पेज की जो उसको देखना है, ठीक है। अब वेब सर्वर ने क्या करा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, उसको रिस्पॉन्ड करना, जो उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई थी उसको रिस्पॉन्ड करना है। अब सर्वर ने क्या देखा कि जो वेब पेज क्लाइंट ने को चाहिए वो उसके पास है ही नहीं। अगर तो देखो जब रिक्वेस्ट आई, जो रिक्वेस्टेड वेब पेज अगर उसको मिल गया सर्वर को, तो उसके क्लाइंट के ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाएगा। बट अगर सर्वर को वो वेब पेज नहीं मिलता है, तो इट सेंड्स अ पेज कंटेनिंग द एरर मैसेज 404 पेज नॉट फाउंड टू द क्लाइंट ब्राउज़र। क्लियर हुआ कि जो भी वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, सर्वर को। अब जिस पेज के रिक्वेस्ट आई है, अब अगर वो पेज सर्वर के पास अवेलेबल है तो वो क्लाइंट मीन्स वो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, क्लाइंट के पास वो वेब पेज डिस्प्ले हो जाएगा। बट इन केस अगर वो पेज अवेलेबल नहीं है सर्वर के पास, तो आपको जो सर्वर है वो एक और पेज सेंड करेगा जिसमें आपका क्या होगा, एरर 404 का मैसेज होगा कि दिस रिक्वेस्टेड पेज इज़ नॉट फाउंड।
राइट। नेक्स्ट मेरे पास आता है होस्टिंग अ वेबसाइट। अब वेबसाइट होस्टिंग का मतलब क्या है कि मैंने वेबसाइट बना करके रख ली। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसको यहाँ पर बनाई, मैंने इसको पब्लिश नहीं किया तो वो कैसे काम चलेगा। तो होस्टिंग मीन्स मैं उसको सर्वर पर स्पेस दे रही हूँ सो दैट वो सारी जनता को ऑल ओवर द वर्ल्ड वो पब्लिश कर सको, सो दैट सब उसको एक्सेस कर सके। वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट अलाउज अस टू पुट अ वेबसाइट ऑन टू द इंटरनेट, इंटरनेट पर मुझे लाना है एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने वेबसाइट बनाई, अपने सिस्टम पर बनाई, उसको खोल खोल कर मैं देख करके खुश हो रही हूँ कि कितनी बढ़िया वेबसाइट बनाई। बट उसको बनाने का क्या फ़ायदा जब तक मैं उसकी होस्टिंग ना लूँ, उसका डोमेन नेम ना लूँ, उसको लाइव ना करूँ, पब्लिश ना करूँ, इंटरनेट पर ना डालूँ, क्या फ़ायदा उसका। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग। वंस अ वेबसाइट इज़ क्रिएटेड, मैंने उसको वेबसाइट को क्रिएट कर लिया, अब वी नीड टू कनेक्ट इट टू द इंटरनेट सो दैट यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब कैन एक्सेस। तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी हैं जो मुझे होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। होस्टिंगर एक काफ़ी जो है पॉपुलर वेबसाइट है। होस्टिंगर के थ्रू ये आपको डोमेन नेम भी प्रोवाइड करता है, काफ़ी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और सर्वर में स्पेस भी प्रोवाइड करता है, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो स्टेप्स फॉर होस्टिंग अ वेबसाइट, इफ़ यू वॉन्ट टू होस्ट योर वेबसाइट क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आप अपना वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कराना चाहते हैं। वो आपको वेब सर्वर पे स्पेस भी देगा, फिर कोई काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज में डेटाबेस देगा, बैंडविड्थ देगा, डेटा बैकअप देगा, फायरवॉल, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड। ठीक है, आपने सर्वर पर स्पेस ले लिया, फिर आप अपनी डोमेन नेम आइडेंटिफाई करोगे .com.in मीन्स कि आपने डोमेन नेम लेनी है, विच बेस्ट सूट्स अवर रिक्वायरमेंट, फिर हमें उसको रजिस्टर कराना पड़ता। वंस वी गेट अ वेब स्पेस मिल गया तो लॉग इन करेंगे जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, फिर आपका जो आईपी एड्रेस है उसको आप नोट डाउन कर लेंगे वेब स्पेस को मैनेज करने के लिए। फिर जितनी भी फाइल्स आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर अपलोड होंगी वो सारी की सारी अपने सर्वर पर डालनी है, ठीक है, उसको आप अपलोड करोगे, फिर डोमेन नेम आपको मिल जाएगा, उसकी मैपिंग करोगे आपके आईपी एड्रेस से सर्वर के, राइट। तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं यहाँ पर। आप आजकल तो इवन काफ़ी सारी आपको लाइक वर्डप्रेस हो गया या काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप अपना वेबसाइट ईजिली विद इन सेकेंड्स क्रिएट कर सकते, राइट। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है DNS, दैट इज़ डोमेन नेम सिस्टम। अब देखो, आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि आपको अगर मैं नेम्स से ना बोल कर या कुछ नंबर्स दे दूं तो क्या वो मुझे याद रहेगा। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज मेरे पास एक फ्रेंड है या कोई स्टूडेंट है, उसका नेम है नेहा, एक का नेम है निशा, कितना ईजिली याद हो गया ना। एक मैं इनको दे दूँ कि आपने इसको बुलाना 9467826754, ये इसका है। एक मैंने निशा का बोल दिया, आपने बोलना 6785467298, क्या ये नंबर आपको याद रह पाएंगे, क्या इसके थ्रू आप पर्सन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। बट आजकल फ़ोन नंबर्स को ही याद करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और हम फ्रेंड के नंबर पहले तो फिर भी याद होते थे, आजकल तो फ्रेंड्स के नंबर भी नहीं याद रहते, सेव कर देते हैं उसी के थ्रू हम लोग फिर आगे उसको यूज़ करते हैं। तो उन पहले क्या होता था, हर एक सिस्टम का, हर एक वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता, पता होगा आईपी एड्रेस के बारे में। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इतनी सारी वेबसाइट्स बन गई, उन सब के आईपी एड्रेसेस को याद करना तो बहुत टफ हो गया। अब google.com ईजिली आपको पता है, cbse.gov.in ईजिली आपको पता है, ठीक है, बट अगर उनका आईपी एड्रेस होता तो क्या आप उसको लिख करके उसको ओपन कर पाते, कितने याद रखते, नहीं याद रह पाता ना। तो इसीलिए हमने उन सभी नंबर्स को क्या दे दिया, एक एक नेम दे दिया। इसी नेमिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम, ठीक है। तो DNS इज अ सर्विस दैट डज द मैपिंग बिटवीन डोमेन नेम एंड आई पी एड्रेस। हर एक आई पी एड्रेस को मैंने एक डोमेन नेम दे दिया, प्रोवाइड मैपिंग प्रोवाइड कर। व्हेन द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज एंटर्ड इन अ ब्राउजर, वेबसाइट का एड्रेस में सपोज मैंने गूगल पर लिखा www.cbse.nic.in, ठीक है, तो जैसे मैं ये एंटर करूँगी तो DNS क्या करेगा, उसको आई पी एड्रेस को देखेगा, उसको फाइंड आउट करेगा, उससे मैपिंग करेगा, और फिर उसके रिक्वेस्ट किसको सेंड करेगा, सर्वर। फिर हो गया DNS। अब बात आती है वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये भी पता है। देखो, जो भी आप वेब पेजेस को देखते हो कहाँ पर देखते हैं, वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप अपना वेब पेजेस को देख सकते हो। ये विंडो ओपन होती है ना, ये आपका वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम, देखो गूगल मत लिखना वेब ब्राउज़र में, गूगल इज़ योर सर्च इंजन, राइट। इट हेल्प्स अस टू व्यू द डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज रिट्रीव फ्रॉम द वेरियस वेब सर्वर्स ऑन द इंटरनेट।
ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके वेब ब्राउजर के, ठीक है। मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का है, ये एप्पल सफारी हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, और भी काफ़ी सारे आपके पास वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल होते हैं। ये डेफिनेशन ध्यान रखना, मोज़ेक वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर जो डेवलप हुआ, ठीक है। मोज़ेक MOSAIC। नेक्स्ट ब्राउजर देखो, हर एक ब्राउजर की अपनी सेटिंग्स होती हैं, या आप इसको खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जो भी ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हो, अपना साइड में तीन डॉट्स होती हैं टॉप राइट कॉर्नर पर, यहाँ पर क्लिक करो, सेटिंग्स पर जाओ, सारी सेटिंग्स एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। ये सेटिंग्स किससे रिलेटेड होंगी, प्राइवेसी से रिलेटेड, सर्च इंजन प्रेफरेंस, डाउनलोड ऑप्शंस हो गया कि आपको अगर कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो कहाँ पर डाउनलोड करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट क्या पाथ देना है, और आपका जो है फर्स्ट होम पेज कौन सा ओपन हो, ये सारी सेटिंग। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है एडोन्स एंड प्लगइन्स। एडोन्स एंड प्लगइन्स कुछ टूल्स होते हैं जो आपकी ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई कर। नाउ सी द डेफिनेशन, एडोन्स एंड प्लगइन्स आर द टूल्स दैट हेल्प टू एक्सटेंड एंड मॉडिफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ द ब्राउज़र, कि जो आपके ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी उसको एक तरीके से इन्हांस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। बोथ द टूल्स बूस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्राउजर बट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दोनों डिफरेंस हैं। पहले प्लगइन देखो क्या होता है, ध्यान से डेफिनेशन देखना, फिर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। आपको पता तो है ये चीज़ होती है ब्राउजर में, बट ये नहीं पता कि इसे एड ऑन और प्लगइन कहते हैं, राइट। अब प्लगइन इज अ कंप्लीट प्रोग्राम और मे बी अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल फ्लैश एंड जावा आर प्लगइन्स। कुछ वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि फ्लैश की, एडोब फ्लैश की रिक्वायरमेंट होती है वीडियोस को प्ले करने के लिए, कहीं पर मुझे जावा की रिक्वायरमेंट है। तो ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं कि अगर मीन्स मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ देखनी है तो मुझे इसके लिए एडोब फ्लैश चाहिए अपने सिस्टम, राइट। अ फ्लैश प्लेयर इज रिक्वायर्ड टू प्ले अ वीडियो इन द ब्राउजर। अगर मुझे अपने ब्राउजर में वीडियो चलानी है तो मेरे पास फ्लैश वाला प्लगइन होना चाहिए। अ प्लगइन इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन द होस्ट कंप्यूटर पर इंस्टॉल होगा एंड कैन बी यूज्ड बाय द ब्राउजर फॉर मल्टीपल फंक्शनलिटीज एंड कैन इवन बी यूज्ड बाय अदर एप्लीकेशंस, राइट। अब देखो एड ऑन क्या होता है, एंड एड ऑन इज नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम। फ्लैश जो प्लगइन्स है वो तो अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है, एड ऑन अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, एंड इज यूज टू एड ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शनलिटी। एक्सटेंशंस यूज करते हैं उसी वही होती हैं एड ऑन, एंड एड ऑन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एन एक्सटेंशन इन सम ब्राउजर, राइट। एडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ अ साउंड एंड ग्राफिक्स कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एड ऑन। काफ़ी सारी चीज़ों के एड ऑन्स आते हैं, आई थिंक आपने काफ़ी सारे यूज़ भी किए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना मुझे कौन कौन से एड ऑन्स आप लोगों ने अपने ब्राउजर में यूज़ किया, राइट। चलिए लास्ट टॉपिक, आई थिंक दिस इज कुकीज। कुकीज देखो क्या होता है, कुछ नहीं इसकी भी डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, एक टेक्स्ट फाइल की तरह होती है। देखो जो भी आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हो ना, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं तो स्टोर रहता है। अच्छा टेल मी वन थिंग, हैव यू ऑब्जर्व कि लेट्स सपोज आपका लैपटॉप परचेज करने का मन है, आपने अमेजन पर या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर के लिखा लैपटॉप अंडर बजट 50,000, राइट। आपके पास काफ़ी सारे आ गए, आपने तो सर्च करके छोड़ दिया, ना तो आपने उसको परचेज करा ना कुछ किया। उसके बाद व्हाट यू विल फाइंड, आप यूट्यूब देख रहे हो, उसके नीचे आपको उस लैपटॉप की एड्स दिख रही हैं। आप गूगल क्रोम पर जा रहे हो, वहाँ पर आपको लैपटॉप्स की एड दिख रही हैं। अब मीन्स जगह जगह पर आपने वो जो सर्च किया ना, उससे रिलेटेड एड्स दिख रही हैं। अब एज सच ये कोई जादू या मैजिक तो है नहीं कि आपने सर्च किया और उसको पता लग गया, नो। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके वो फुटप्रिंट्स छोड़े हैं आपने। तो ये सारे की जो आप इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी कहाँ पर स्टोर होती है, एक फाइल में, हम बोलते हैं कुकीज, राइट। इट इज़ अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग अ स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। टेक्स्ट फाइल होती है और उस टेक्स्ट फाइल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट विजिट की है, क्या क्या आपने डिटेल्स फिल करी है, ये सारी चीज़ें, विच इज़ ट्रांसफर्ड बाय द वेबसाइट टू द ब्राउजर व्हेन वी ब्राउज इट। और आपने ये भी देखा होगा कि जब एक वेबसाइट मैंने एक बार विजिट कर ली ना, उसमें थोड़ा टाइम लगा लोड होने में, पर दूसरी बार वो फटाफट से लोड हो गई, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन कुकीज फॉर्म में ऑलरेडी स्टोर थी। दिस स्ट्रिंग ऑन इन्फॉर्मेशन गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट फाइल इन द ब्राउजर। आपके सिस्टम पर वो स्टोर रहती है। देखो कुकीज आपकी हार्मफुल भी हो सकती है, हार्मलेस भी हो सकती है। दीज आर यूजली हार्मलेस एंड दे कांट एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हार्ड डिस्क ऑफ अ यूजर
और ट्रांसमिट वायरस और मार इतनी भी हार्मफुल नहीं होती, ठीक है, इतनी हार्मलेस होती हैं कि आपकी हार्ड डिस्क से कोई डेटा नहीं स्टील करेगी या कोई वायरस नहीं आता इनकी वजह से, बट आप यू नेवर नो इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो हमें टाइम टू टाइम हमारी जो कुकीज़ है उसको हम लोग डिलीट करते रहना चाहिए। इट इज़ द ब्राउजर ऑन अवर कंप्यूटर विच स्टोर्स एंड मैनेज द कुकीज़। हाउएवर वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रिक्ड एज कुकीज़ एंड कॉज हार्म टू अ कंप्यूटर। सारी कुकीज़ पर भी आप ट्रस्ट नहीं, हो सकता है उनके पीछे कुछ वायरस छुपा हो। वन कैन डिसेबल कुकीज़ बाय चेंजिंग द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स ऑफ आवर ब्राउजर। आप देखोगे कि आपके ब्राउजर में सेटिंग्स में जाकर के ऑप्शन मिलेगा डिसेबल कुकीज़ का, तो वहाँ पर आप उनको डिसेबल कर दो तो आपके सिस्टम में कोई भी ऐसी फाइल नहीं स्टोर होगी। प्लस अगर अभी तक आपने उसको डिसेबल नहीं किया है तो भी आप अपना सेटिंग्स में जाकर के सारी की सारी जो कुकीज़ वाली इन्फॉर्मेशन है उसको वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वन शॉर्ट वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। काफ़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में, आई होप आपको समझ में भी आया होगा, ये वीडियो फ्रूटफुल रही होगी। और इस वीडियो पसंद आई हो एक लाइक वीडियो को ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना, एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर, बिकॉज इस चैनल को आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक मोटिवेशन ही होता है, ठीक है ना, कि अब देखो मेरे पास ही आप लोगों का मोटिवेशन था कि मैम वन शॉट बना दीजिए, बना दिया, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आई थिंक वो जो पार्ट्स पार्ट्स में वीडियोस बनाते हैं उसको ना देख करके वन शॉट्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। आपके रिक्वेस्ट सर आँखों पर, और गुरु दक्षिणा में सिर्फ क्या चाहिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस करेंगे यूनिट 4, दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, keep studying. Bye-bye.